गुड मॉर्निंग क्लासेस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ हेरिटेज पब्लिक स्कूल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। प्लीज टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, पेज नंबर 22। सो लेट्स स्टार्ट। हाउसेस, हम न्योलिथिक एज पढ़ रहे थे, ठीक है? तो अब हमने रीड कर लिया था लास्ट क्लास में कि न्योलिथिक एज की सोसाइटी क्या होती है, एग्रीकल्चर वगैरह कैसे डेवलप हुआ, ठीक है? सो आज हम क्या लर्न करेंगे? हाउसेस। द हाउसेस ऑफ न्योलिथिक फार्मर्स वर मच लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर देन द स्किन कवर्ड हट्स ऑफ देयर मेसोलिथिक एंसेस्टर। जो हाउसेस होते थे न्योलिथिक फार्मर के, वो बड़े होते थे, लार्ज होते थे और स्ट्रॉन्ग होते थे। किन से? जो हट्स होती थी। अब वो हट्स जो हैं मेसोलिथिक एज की, जो हट्स होती थी वो भी काई से कवर्ड होती थी, स्किन से, जो एनिमल्स की स्किन होती थी उनसे कवर्ड हर्ट्स होती थी मेसोलिथिक जो एज के लोग थे, ठीक है? तो मेसोलिथिक एज पीपल के जो हाउसेस होते थे उनसे बड़े हाउसेस होते थे नियोलिथिक फार्मर्स के, और स्ट्रॉन्ग भी होते थे। सम ऑफ देम वर बिल्ट ऑफ स्प्लिट लॉक्स, उनमें से कुछ काई से बने होते थे, लॉक से, ठीक है? लॉक्स यानी जो लकड़ी होती है, ठीक है? सम पीपल इवन स्टार्टेड लिविंग इन ब्रिक हाउसेज, इवन कुछ लोग जो है ब्रिक हाउसेज में रहना भी वहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। सम ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस लाइक मेहरगढ़ हैड रेक्टेंगुलर मड हाउसेज मेड ऑफ मड ब्रिक्स। कुछ जो अर्लीस्ट विलेजेस होते थे जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, उसमें रेक्टेंगुलर मड हाउसेज थे जो कि मड ब्रिक्स से बने हुए होते थे। Each house had several rooms, और हर हाउस में कुछ rooms हुआ करते थे। Some of the rooms were used for storing grains. Even उसमें से जो कुछ rooms थे वो काई के लिए use हुआ करते थे, grains को store करने के लिए। In some places like Burzaum, people lived in pit houses. जैसे कुछ जगह थी Burzaum, वहाँ पर लोग कहाँ रहते थे? Pit houses. Pit houses क्या होते हैं? Deep pits होते हैं that had steps leading into dam. मतलब उसमें सीढ़ियाँ होती है, स्टेप्स होती है जो कि वहाँ हाउसेस तक लेके जाती है। पिट यानी नीचे जो अपने होते हैं गड्ढे वगैरह उनमें, ठीक है? थेस्ट रूप सपोर्ट बाय पोस्ट प्रोबेबली कवर्ड द पिट। थेस्ट रूप्स होती थी जो कि सपोर्ट किससे की जाती थी? पोस्ट से, प्रोबेबली कवर्ड द पिट्स। ओवन्स, एशेज एंड चारकोल्स हैव बीन फाउंड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड दीज पिट्स। तो मतलब इन पिट्स के आउटसाइड और इनसाइड हमें क्या मिला है? ओवन्स मिले हैं, एशेज मिले हैं और चारकोल भी मिला है। अच्छा, अब टूल्स कैसे होते थे? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स सच एज एक्सेस एंड चिसल्स हैव बीन फाउंड इट ऑल। मतलब वहाँ पर क्या मिले थे नियोलिथिक साइट्स पे? कुछ एक्सेस मिले थी और कुछ चिसल्स मिले थे। ये देखिए, यहाँ पर आपको टूल्स दिखेंगे नियोलिथिक एज के, ठीक है? एट ऑल नियोलिथिक साइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सिकल्स एंड रीपिंग नाइफ्स वर डेवलप टू हार्वेस्ट क्रॉप। सिकल्स और रीपिंग नाइफ्स को डेवलप करा गया था ताकि वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकें। एट सम साइट्स लाइक मेहरगढ़ एंड Burzaum, माइक्रोलिथ्स एंड बोन टूल्स हैव बीन ऑल्सो फाउंड। मतलब कुछ साइट्स जैसे कि मेहरगढ़ हो गई और Burzaum हो गया, यहाँ पर कुछ माइक्रोलिथ्स और बोन टूल्स भी हमें मिले हैं। द बोन्स टूल्स इंक्लूड हारपन्स फॉर फिशिंग। अब बोन टूल में क्या मिले हैं? हारपून्स फॉर फिशिंग, नीडल्स फॉर स्विंग, ठीक है, एरो हेड्स, स्पेयर हेड्स एंड ड्रैगर्स फॉर हंटिंग। कुछ हंटिंग के हमें टूल्स मिले हैं, कुछ नीडल्स मिली है स्वी वाली, मतलब जो सिलने वाली होती हैं, और कुछ हमारे फिशिंग के टूल्स हमें मिले थे। नाउ पोट्री। During the Neolithic age, human learned to make pottery on potter wheel. Potter wheel जो होता है वो जो आपने देखा होगा कि जो हमारे potters होते हैं वो एक मिट्टी का टूल रखते हैं जो घुमा घुमा के वो फिर उसको शेप देते हैं, ठीक है? वेट क्ले को शेप देते हैं, ठीक है? तो वही होता था potter tool, potter wheel, ठीक है? तो Neolithic age में human learned to make pottery. तो human ने सीख ली थी pottery बनाना on potter wheel पे। They made vessels of clay and baked them on fire. वो क्ले के वेसल्स बनाते थे, बर्तन बनाते थे क्ले से, और उनको काई पे बेक करते थे, फायर पे। Pots were also found having design on them. और कुछ pots हमें वहाँ पर ऐसे भी मिले हैं जिन पे उन डिज़ाइंस बनी हुई थी। Pottery found in northern India was black grey ware with matte finish.
मतलब जो पॉटरी हमें नॉर्दर्न इंडिया में मिली है वो कैसी है, ब्लैक ग्रे वेयर की है, ठीक है, जिसमें मैट फिनिश है, यानी कि डल डल फिनिश है, शाइनी नहीं होती, मैट फिनिश है, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द एक्सल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ नियोलिथिक ह्यूमंस वॉज द व्हील विद एन एक्सल। सबसे मेन जो है ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है नियोलिथिक एज का वो है व्हील विद एन एक्सल, ठीक है। एक्सेल क्या होती है, अब एक्सेल एक रोड होती है जो कि व्हील के बीच में से पास होती है, ग्रुप ऑफ व्हील और व्हील, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्या था नियोलिथिक ह्यूमंस का, वो था व्हील विथ एन एक्सेल, एंड एक्सेल इज अ शाफ्ट ऑन विच द व्हील रोटेट्स। एक्सेल एक शाफ्ट होती है जिसमें कि व्हील रोटेट करता है, जिस ऑन विच इट इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड इंक्रीज द पेस ऑफ डेवलपमेंट। इसने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को इम्प्रूव किया एक्सेल ने, और साथ साथ में डेवलपमेंट का पेस भी इंक्रीज हुआ, यानी डेवलपमेंट भी और तेज़ी से होने लगा। परहैप्स द व्हील वॉज ऑल्सो यूज इन स्पिनिंग थ्रेड विच लेड टू वीविंग, और जो ये व्हील है फिर बाद में थ्रेड स्पिन के लिए भी यूज़ होने लगा, जिसकी वजह से कपड़े वीव होना स्टार्ट हुए। वंस वीविंग वॉज नोन, मैन यूज कॉटन एंड वूल टू मेक क्लोथ। एक बार वीविंग को इंसान जानने लगा, लोगों ने वीविंग को जाना, उसके बाद कॉटन और वूल का यूज़ होने लगा टू मेक द क्लोथ्स। द पॉटर्स व्हील वॉज यूज टू वर्क विथ क्ले टू मेक बेटर पोट्स, और जो पॉटर्स के व्हील थे वो किस लिए यूज़ होने लगे, क्ले के साथ वर्क करने के लिए, ताकि और भी अच्छे पॉट्स बन सके। डिस्पोजल ऑफ द डेड, द नियोलिथिक पीपल यूजुअली बरीड देयर डेड्स, जो लोग मर जाते थे उनके वो लोग मोस्टली क्या करते थे, उनको बरी कर देते थे, यानी कि दफना देते थे। द ऑब्जेक्ट्स यूज बाय द डेड पर्सन्स लाइक टूल्स वेपन्स एंड पोट्री वर बरीड अलॉन्ग विद दैम, और जो ऑब्जेक्ट्स वो डेड पर्सन यूज़ करता था, जैसे कि टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, या कुछ पोट्री हो गई, वो भी उसके साथ बरी कर दी जाती थी। एट मैगर एंड बुजॉम फॉर इंस्टेंस द डेड वर बरीड इन पिट समटाइम विद डोमेस्टिक एनिमल, और इन जगह पे कई बार जो डेड हैं वो पिट्स में बरी कर दिए जाते थे, यानी दफनाए जाते थे विद देयर डोमेस्टिक एनिमल्स। इन मैनी पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया बरियल प्लेसेस हैव बीन मार्क्ड विद ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, दे आर कॉल्ड मेगालिथ्स। साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो बरियल प्लेसेस हैव बीन मार्क्ड विद ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, उनको कैसे मार्क करी गई है, बड़े बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन के साथ, दे आर कॉल्ड मेगालिथ्स, और उनको क्या कहते हैं, मेगालिथ्स। नाउ रिलीजन, द नियोलिथिक पीपल वर क्लोजली एसोसिएटेड विथ नेचर, प्रोबेबली नेचर वॉज वर्शिप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो नियोलिथिक पीपल हैं वो किस से क्लोजली एसोसिएट है, नेचर से, प्रोबेबली नेचर वॉज वर्शिप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, जो नेचर है वहाँ पर वो लोग नेचर को अलग अलग फॉर्म्स में वर्शिप करा करते थे। सेवरल स्टैचूज एंड फिगरिंग्स of mother goddess have been found at neolithic sites, suggested the prevalence of goddess worship. कुछ हमें goddess, mother goddess मिली है neolithic sites पर, जो कि ये suggest करती है कि वहाँ पर worship of goddess भी था, ठीक है। ornaments, people made ornaments of sea shells, limestone, turquoise, lapis, lazuli and sandstone. वहाँ पर लोग ornaments बनाते थे किसके, sea shells, मतलब जो sea में से shells निकलते हैं उनके, limestone के और टर्कोइज के, जो ब्लू और ग्रीनिश ब्लू प्रीशियस स्टोन होता है आपको नीचे गिवन है इसका जो भी मीनिंग है, लैपिस लाजूली ये ब्लू स्टोन होता है जो कि ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है, और सैंड स्टोन्स, इनके लोग ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स यानी गहने। नाउ कैलोथिक एज, यूज़ ऑफ मेटल्स, आफ्टर सेटलिंग डाउन एंड बिकमिंग अ फार्मर मेन मूव टू डिस्कवर मेटल एंड द वेज एंड मीन्स टू यूज इट, ठीक है। अब जो पीपल है वो सेटल हो गए, फार्मर बन गए, तो मैन क्या किया, मैन ने मेटल को डिस्कवर किया, और ये भी डिस्कवर किया कि वो कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर एंड यूज बाय मैन, कॉपर सबसे फर्स्ट मेटल था जो कि डिस्कवर हुआ और मैन के द्वारा यूज हुआ। हैंस कैलिथिक एज ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज, तो इसलिए इस एज को कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 4000 BC से स्टार्ट हुई थी एंड 2000 BC तक ये थी, ठीक है। दिस एज इज इम्पॉर्टेंट सिंस इट मार्क्स द शिफ्ट फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन्स टू मेटल्स, ये एज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ से शिफ्ट हो रही है, स्टोन एज से मेटल एज पे शिफ्ट हो रही है, इसलिए इसकी एक अलग ही इम्पॉर्टेंस है।
कैलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ऐसे सेटलमेंट्स हमें इंडिया के मोस्ट पार्ट में मिलेंगे. इनामगन इन इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर वन. द कैलिथिक पीपल यूज्ड व्हील टर्न्ड पोल्ट्री एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक देयर नियोलिथिक प्रीसीडर्स. जो उनके नियोलिथिक प्रीसीडर्स थे यानी कि पूर्वज थे नियोलिथिक एज के, उनकी तरह ही वो लोग भी व्हील टर्न पॉटरी यूज़ करते थे और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन भी वो करते थे. नाउ आपको केस स्टडी दे रखी है मेहगर की दे रखी है कि मेन क्रॉप क्या है, एनिमल डोमेस्टिकेट कैसे, कौन कौन से टूल यूज़ होते थे. ठीक है, वैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो बुरजॉम की और डाउजली हार्डिंग्स की दे रखी है. ठीक है, तो ये आज आपको रीड करनी है चिल्ड्रन, और साथ में आपको ये प्रोग्रेस माइलस्टोन भी एक बार फिल करना है. ओके, so read case studies and fill this progress milestone. Okay children, so we will meet in the next class.